स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज SBI ST08 क्लर्क मेंस के बारे में। और आज की चर्चा का विषय होगा हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे SBI क्लर्क के लिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने वाले हैं क्लर्क मेंस में। डिवाइस ड्राइवर डैश होता है या डिवाइस ड्राइवर होता क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला प्रश्न, पहला जो ऑप्शन है यहां पर वो है एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरणों के लिए छोटे बिजली के तार नहीं। एक्सपर्ट्स जो जानता हो डिवाइस की परफॉर्मेंस बढ़ाना, ये कैसे बढ़ाई जाए। छोटे विशेष उद्देश्य प्रोग्राम जी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के आंतरिक भाग नहीं कह सकते ऐसा कुछ। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकल्प, देखिए अब मेरे हिसाब से सब कुछ नेगेटिव है, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरणों के लिए छोटे तार बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स जो जानते हो कि डिवाइसेस की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए जी नहीं, वो भी नहीं होते। छोटे विशेष उद्देश्य प्रोग्राम, क्या ये सही आंसर है, आइए जानते हैं कि क्या ये सही उत्तर है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है, छोटे विशेष उद्देश्य प्रोग्राम जो कि हर डिवाइस को जरूरी होते हैं, जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी डिवाइस को किसी सिस्टम से जोड़ते हैं। अगर हम कोई ऐसा डिवाइस लेते हैं जिसको डिवाइस ड्राइवर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि हमें उसको डिवाइस ड्राइवर देना ही नहीं होता, देना होता है मगर वो प्री डिफाइंड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर। कैश मेमोरी डैश रैम होती है और आकार में बहुत छोटी होती है। पूछा जा रहा है कि कैश मेमोरी किस तरीके की रैम है, क्या वो डायनेमिक रैम है, क्या वो स्टैटिक रैम है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप जानते हैं, जी हाँ, आपकी कैश इज अ स्टैटिक रैम, वो एक स्टैटिक रैम होती है, जैसा कि हम यहां पर उत्तर में भी देख पा रहे हैं। अब जब कैश की बात चली है तो यहां पर बताना जरूरी हो जाता है कि कितने प्रकार की कैश अवेलेबल है। हाँ, कितने तरीके के हैं, वो है तीन प्रकार के, जो कि L1 है, L2 है और L3 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डैश होते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, पेपर सेगमेंट है, या ये सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने कहा और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया यहां पर, वो है पेज ओरिएंटेशन। देखते हैं एक बार पेज ओरिएंटेशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उपयोगकर्ता की विशिष्ट संसाधन की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को डैश कहा जाता है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन शायद थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो, थोड़ा लेंदी लग रहा हो, मगर क्वेश्चन पूछ बहुत सिंपल सी बात रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो यूजर स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए बनाया जाता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता इंटेंडेड सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटीज। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, वो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार इसका उत्तर चेक कर लेते हैं और वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही उत्तर था आप लोगों की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, CRT मॉनिटर की तुलना में LCD मॉनिटर का डैश प्राय कम होता है। क्या कम होता है देखते हैं, क्या वो रिफ्रेश रेट है, क्या वो व्यूइंग एंगल है, क्या वो कलर डेप्थ है, क्या वो प्राइस है, या फिर स्क्रीन है। देखिए एक हिंट दे देता हूं यहां पर, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है LCD का, जो यहां पर उत्तर होने वाला है वो LCD का एक ड्रॉबैक भी रहा है, जिससे जिसके कारण उसकी उतनी मार्केट नहीं रही। जी हाँ, वो आंसर क्या है, वो आंसर है आपका व्यूइंग एंगल। LCD का व्यूइंग एंगल CRT के मुकाबले काफी कम होता है। आगे बढ़ते हैं, डैश कीवर्ड प्रतीक और मनुष्य द्वारा निर्मित स्टेटमेंट बनाने के नियमों के सिस्टम का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों का संवाद कर सकता है। सोचिए वो क्या होगा, देखते हैं एक बार ऑप्शन, देखते हैं क्या वो सिंटेक्स है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक असेंबली, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों की तरफ से, वो है आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा फायरवॉल के बारे में, कौन स्टेटमेंट फायरवॉल के बारे में सही है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है।
नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर करना, जी हाँ, जो ट्रैफिक सिस्टम की तरफ आता है उसको फिल्टर करता है कि सही मायने में देखा जाए तो फायरवॉल का काम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, और जो उसके तरफ ट्रैफिक आ रहा होता है उसको फिल्टर करके फायरवॉल ये कार्य करता है। अगला है, या तो एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपकरण है, नियमों के सेट का अनुसरण करना। देखिए, अगर एक फायरवॉल की बात की जाए तो फायरवॉल में ये तीनों फीचर्स, ये तीनों विशेषताएं होती हैं, तो मेरे हिसाब से जो यहां पर सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑल ऑफ द अबव, या ये सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आपको ये जानकारी हो कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं या कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रिंटर्स के। बबल जेट प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, उसके बाद हमारे पास थर्मल प्रिंटर है, चौथे नंबर पे है माइक्रोवेव प्रिंटर, और पांचवे में है इनमें से कोई नहीं। देखिए, बबल जेट प्रिंटर होते हैं, एलईडी प्रिंटर्स भी होते हैं, थर्मल प्रिंटर्स का अधिक काफी जगहों पर इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव प्रिंटर नाम से कुछ भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर माइक्रोवेव प्रिंटर प्रिंटर का प्रकार नहीं है। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं, जी हाँ, वो है आपका माइक्रोवेव प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कॉम का या डॉट कॉम का अर्थ क्या होता है, क्या उसे कमोडिटी कहते हैं, क्या उसे कम्युनिटी कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, कमर्शियल कहते हैं, या कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर भी है। इसका फुल फॉर्म है, इसको हम लोग जानते हैं कमर्शियल के नाम से। एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं, उत्तर है कमर्शियल, और बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे बढ़ते हैं, एक कंप्यूटर का कौन सा फंक्शन डेटा को स्थायी डेटा स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो परमानेंट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं, इनपुट जी नहीं, आउटपुट जी नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज बिल्कुल सही उत्तर है, और देख लेते हैं आखिरी के ऑप्शन भी क्या है, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर की अगर बात करें तो वो है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। एक बार चेक कर लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर को, और उत्तर आता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कई सेक्टर्स के संग्रह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, क्या वो ट्रैक होता है, क्या वो सिलेंडर होता है, क्या वो सेक्शन होता है, क्या वो फ्रेम होता है, क्या वो रिंग होता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एक चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी कर सकता है, आंसर कर सकता है, और इसका सही उत्तर है आपका ट्रैक। देख लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं कि इसका सही उत्तर है क्या। सही उत्तर है आपका ट्रैक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, टर्मिनल एक डैश है, डिवाइस एक कंप्यूटर को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टर्मिनल एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। एक पॉइंट जहां कंप्यूटर में प्रवेश या निकास किया जाता है, जहां पर डेटा को इनपुट या आउटपुट दिया जाता है, उसके बाद एक प्रोग्राम में अंतिम बिंदु, जी नहीं, पॉइंट जहां तार जुड़े होते हैं, जी नहीं, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस, जी नहीं। जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ये। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है एक पॉइंट जहां कंप्यूटर में प्रवेश या निकास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है, डिलीट की हुई फाइल्स को स्टोर करना, अस्थाई फाइल स्टोर करना, करप्ट फाइल स्टोर करना, डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर करना, इमेज फाइल को स्टोर करना। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, दोबारा एक ऐसा क्वेश्चन आया जो बहुत ही आसान है, जो एक बच्चा भी आंसर कर सकता है अगर उसको कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज होगी। डिलीट की हुई फाइल्स को स्टोर करना रिसाइकल बिन का कार्य होता है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है डिलीट की हुई फाइल्स को स्टोर करना। अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसे कुछ समय के लिए एंटरप्राइज सर्वर कहा जाता है, या मतलब कुछ का मतलब सिंपल सा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग एंटरप्राइज सर्वर के नाम से भी जानते हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं एक बार, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, नेटवर्क, सभी, या इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है वो है आपका मेन फ्रेम। देख लेते हैं एक बार सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका मेन फ्रेम। यदि आपने मेन फ्रेम पे टिक लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर पे टिक लगाया है। आज के ऐसे डिस्कशन में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि आप
ने जो प्रश्न यहाँ पर देखे उसी हिसाब से और उसी सटीकता से आपने उत्तर भी दिए होंगे जिस सटीकता से हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आप अपने YouTube चैनल से अवश्य जुड़े जो कि है www.youtube.com/c/MahindraGuruVideos। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।